दानियल की पुस्तक पहला अध्याय। चार युवक नबूकदनेस्सर की राजसभा में। पहले अध्याय पहले वचन से। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इसराइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल हनन्या मिशाइल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे अर्थात दानियल का नाम उसने बलतशस्सर, हनन्या का नाम हनन्या का शद्रक, मिशाइल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनेगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। थैंक यू जीसस। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मोह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उसे उस मुखिय से जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल हनन्या मिशाइल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। उस दिन के बाद उनके मुँह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल हनन्या मिशाइल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे और दानियल कुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। नबूकदनेस्सर का स्वप्न। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी तंत्री टोनहे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न
को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुँह से आज्ञा निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे, इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः वह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। परमेश्वर द्वारा दानियल पर अर्थ प्रकट करना। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा और राजा के हकीम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली। तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों की को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हम को राजा की बात बताई है, राजा को स्वप्न और उसके अर्थ का बताया जाना। 24 वचन से आगे, तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों के का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न
का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। आमेन, हालेलुया। और उसी ने नबुकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान है, परंतु केवल इसी कारण खुला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएँ चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यों ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, और वहाँ और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझ से छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खुदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। राजा के द्वारा दानियल का सम्मान। इतना सुनकर
46 वचन से आगे, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मोह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। थैंक यू जीसस। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और वह यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हकीम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती के करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। 3 अध्याय, पहले वचन से। नबूकदनेस्सर राजा ने सिनै की एक मूरत बनवाई। सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की बड़ी खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंडोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको वह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने के मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। 8 वचन से आगे, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिर कर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई
आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते है, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दानियल की साथियों का भट्टे में डाला जाना। 19 वचन से आगे, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपने सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दे। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। दानियल के साथियों का सम्मान। 26 वचन से आगे, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने, जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राज्य ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊँचा किया। नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न। 4:1 से, नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम पढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, उनको प्रकट करूँ। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से
और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाए। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद का के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया है वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश के सब चिड़ियाँ बसेरा करती थी और सब उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाए तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने वही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। दानियल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना। 19 वचन से आगे, तब दानियल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक
सात युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वह यह है कि तुम मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तो बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और सात युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान की ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीन हीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी वह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, जहां यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुतिगान। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया है। 36 वचन से आगे, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं वह उन्हें वह नीचा कर सकता है। दीवार पर लिखा गया लेख। 5 अध्याय 1 वचन से, बेलतशस्सर नामक राजा ने अपने 1,000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1,000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1,000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1,000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ के कई उंगलियां निकल कर
दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा का दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर की जोड़ ढीली पड़ गई और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठ माला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों की तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियों खोलने के और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। लेख का अर्थ बताया जाना तेरा वचन से आगे। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे बता समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता वह उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था। जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा दिए।
रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति तू स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंडोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दानियल सिंहों की मांद में 6 अध्याय पहले वचन से। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा को कुछ हानि न होने पाए। जब वह यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली और वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों अधिपतियों न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फरसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया उस जिसके ऊपर रौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। आमीन, थैंक यू जीसस। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंह की मांद में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है।
यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादी और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराएगा वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी 16 वचन से आगे और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड़हे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुँचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गढ़े के और फुर्ती से चला गया। जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, मेरा परमेश्वर अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरा कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गढ़े में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गढ़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गढ़े में डाल दिए जाए और वे गढ़े के पेंदे तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। 25 वचन, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। दानियल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन। 4 पशु 7 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और
जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से चार पंख हैं और उस जंतु के चार सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। सदा काल तक रहने वाले का दर्शन। 9 वचन से आगे मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हीम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर यह बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। पशुओं का अर्थ 15 वचन से आगे मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने वह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन चार बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य कर पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। 19 वचन से आगे तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लो जो अन्य तीनों में से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे और वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुओं को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरन 3:30 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे परंतु तब न्याय बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी।
यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। 28 वचन। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। 8 अध्याय। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उलई नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आँख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने दो सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सिंह बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सिंह मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआया और उस बकरे की आँखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था। वह उस दो सिंह वाले मेढ़े के पास जाकर जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सिंगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया और उसके बदले देखने के योग्य चार सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। 9 वचन से आगे। फिर इन में से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों की को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा, जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुँह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुँह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा,
क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो दो सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वह रोमार बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। वह सींग जो टूट गया और उसके बदले जो चार सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। उन राज्यों का अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा किसी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थ्यों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फुल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हकीमों के हकीम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। 9 अध्याय पहले वचन से मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कस्तियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यरमिया नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तुम महान और भय योग्य परमेश्वर हैं, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों का को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इसराइली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया।
क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है, इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसी ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों से धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जल जलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। जिब्राइल का भविष्यवाणी को समझाना 20 वचन से आगे। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने और अपने इसराइली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गुड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा और पवित्र स्थान नष्ट तो करेंगे, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है।
तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुत के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दानियल को नदी किनारे मिला दर्शन। 10 अध्याय 1 वचन से फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की। की गई वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपने देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदेकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक के सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुँह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे पड़ा मुँह पड़ा रहा। फिर 10 वचन से आगे, किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल, जो प्रमुख प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कहे चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुँह किया और चुप रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओंट छुए और मैं मुँह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कहे, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा, तब यूनान का प्रधान आएगा,
जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। 11 अध्याय पहले वचन से, दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। मिस्र और सीरिया के राज्य, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। दूसरा अध्याय पहले वचन से आगे अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगी। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हकीम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने की को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बनाना रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। उसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोक के रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। 10 वचन से आगे, उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमंडने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीत कर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठा करेगा, और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसकी एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी और न उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मूव करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले
को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। सीरिया का दुष्ट राजा, 21 वचन से आगे, उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चयन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चयन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने के कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे, उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन न पड़ेगा क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों को की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जलकर और बंद हुए होकर और लूट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभालेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नित्य नियत समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना चांदी मनी और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको
सिंह मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। 12 अध्याय, अंत का समय। पहले वचन से, उसी समय मिकाल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते दाहिने और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3:30 काल तक ही रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।